अगर आपने यहाँ पर कम से कम 10वीं पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहां पर चेक कर पाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप यहां पर चेक करेंगे। इसमें अब जो वैकेंसी निकाली गई है इनकम टैक्स विभाग की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती में भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2021 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती को ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है, आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है सभी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी, तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। इस भर्ती को ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है, आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो इनकम टैक्स विभाग की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो, यानी कि आयकर विभाग की ओर से नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष को नेटिव इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप कम से कम 10वीं पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, यानी कि अगर आपने कम से कम मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट किया है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती में आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है इंस्पेक्टर MTS प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है। सभी वैकेंसी की जानकारी के लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा। और इस भर्ती में सबसे बड़ी बात होगी, आपको यहाँ पर इसमें कोई दौड़ कोई रिटर्न एग्जाम आपको आपका इस भर्ती में नहीं होगा, यानी कोई एग्जाम इस भर्ती में आपका नहीं रहेगा। आवेदन आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है, कहां से आपको अप्लाई करना है सभी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी, तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और उसका नेम रहेगा वो इनकम टैक्स विभाग की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि आयकर विभाग की ओर से यहाँ पर यह भर्ती चलेगी। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको मन है तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप देखें फ्रेंड्स, अगर आपने तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे फास्ट अपडेट मिलता है, जैसे कि लेटेस्ट वैकेंसी, लेटेस्ट एडमिट कार्ड हुआ, सिलेबस हुआ, उसकी जानकारी आप यहाँ से ले पाएंगे। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको इस ग्रुप का लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट जो रहेगी वो मैं आपको नोटिफिकेशन में बताऊंगा। पोस्ट नेम रहेगी, टोटल आपको यहाँ पर चार प्रकार की वैकेंसी दी गई है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए होगी, टैक्स असिस्टेंट यानी क्लर्क के लिए होगी, स्टेनोग्राफर के लिए होगी, जो आपको फोर्थ वैकेंसी होगी MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। हु कैन अप्लाई, तो उस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि भारतीय किसी भी कोने से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जॉब करेगा ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इस भर्ती का जो पे स्केल रहेगा, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, वैसे तो यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए अलग अलग आपको वेतन दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन में बता पाऊंगा, लेकिन जो इसमें आपको वेतन मिलेगा 25,500 से लेकर 44,900 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल रहेगा, यानी कि आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती की एज लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपके 18 ईयर से लेकर 30 के बीच में तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो एज काउंट की जाएगी 2 फरवरी 2021 तक की जाएगी, यानी कि 2 फरवरी को आपकी नहीं तो 18 से कम हो नहीं 30 से ज़्यादा हो। अगर आप SST कैंडिडेट है तो आपको 5 की छूट मिलेगी। OBC वालों को यहाँ पर 3 छूट भी दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती का जो एप्लीकेशन फीस होगा सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि जनरल, OBC, SC, ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे जो हाइट होगी केवल और केवल इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना अनिवार्य है। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी 150 सेंटीमीटर आपका हाइट होना अनिवार्य। इसी प्रकार से यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का जो हाइट रहेगी 150 सेंटीमीटर, नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट के लिए 145 सेंटीमीटर आपका हाइट होना अनिवार्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम जरूर बताकर जाना। इस भर्ती में आपका रनिंग टेस्ट नहीं होगा, यानी दौड़ आपके यहाँ पर इस भर्ती में नहीं होगी। अगर आप इस भर्ती के हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी दी गई है। अगर हम इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सब केवल और केवल आपके यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा। अगर आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो आपके पास फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, उसको जो बैकग्राउंड होना चाहिए लाइट कलर का होना
अनिवार्य है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। और आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है किसी कारण से, तो आप इनको कोई और आईडी भी दे सकते हो, यहाँ पर वैलिड की जाएगी। भर्ती का एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा वो यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए अलग अलग है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जो टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी होगी इसमें डिग्री होना अनिवार्य है, टैक्स असिस्टेंट के लिए भी डिग्री होना अनिवार्य है, स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी होगी 10वीं 12वीं पास होना अनिवार्य है, और जो MTS की वैकेंसी उसमें केवल और केवल आप 10वीं पास से आवेदन कर पाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी दिखाऊँ तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। आप यहाँ पर चेक करेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी होगी, 4th वैकेंसी आपके यहाँ पर दी गई, आप यहाँ पर चेक करेंगे। इसमें केवल और केवल 10वीं पास होना अनिवार्य है। अगर आपने कम से कम 10वीं पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना है आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर उसी के सामने क्लिक कर देना है। अगर आप ज़्यादा के लिए आवेदन करना चाहते हैं आपको यहाँ पर चारों पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास डिग्री है तभी आप चारों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप केवल और केवल 10वीं पास से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ केवल और केवल मल्टीटास्किंग की जो वैकेंसी होगी उस पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर इस प्रकार क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाना होगा, उसको यहाँ पर सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने होंगे, फिर आपको यहाँ पर अपना फुल नेम फिल करना, से पापा का नाम यानी कि अपने पापा का नाम फिल करना है, फिर आपको यहाँ पर अपना जेंडर बताना होगा, परमानेंट एड्रेस देना होगा, फिर कोरस्पोंडेंस एड्रेस देना होगा। अगर आपका सेम एड्रेस है तो आपको यहाँ पर दोनों सेम एड्रेस फिल करने होंगे। डेट ऑफ बर्थ बतानी है, फिर आपको यहाँ पर अपनी एज बतानी होगी। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी बताना, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा, सभी जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा, लेकिन कम से कम अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँ किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा, और उस वीडियो को लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा जहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप वीडियो हिंदी। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा। और क्या पता आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जाकर यहाँ से आप वो वीडियो भी देख पाएंगे। अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहां से कर पाएंगे। इस भर्ती का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहां पर क्लिक करना होगा, लेकिन उससे पहले अगर आप यहां पर ये आवेदन फिल कर लेते हैं, जो एड्रेस रहेगा उसको सेंड करने का, उसकी जानकारी भी आपको यहां पर वेबसाइट पर दी गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको यहां पर ये जो एड्रेस दिया गया है इस वाले एड्रेस पर आपको फिल करने के बाद यहां पर सेंड करना होगा। वैसे आपको यहां पर इस वीडियो में बताया है किस प्रकार से आपको आवेदन करना होगा। अब देखें फ्रेंड्स यहां पर इस भर्ती को ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप यहां पर वो भी चेक कर पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती को लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 15/4/2021 रहेगी, यानी कि जो आपकी अंतिम तिथि रहेगी आवेदन करने की 15/4/2021 रहेगी, यानी 15 अप्रैल से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर सभी जानकारी दी गई है, कितने आपको वैकेंसी दी गई, क्या आपके क्वालिफिकेशन रहेगा, सभी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। आपको वहाँ पर सभी जानकारी दी है किस प्रकार से आवेदन करना है, ग्रुप भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, उस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।